नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो बाल झड़ना, कान बहना, कोलेस्ट्रॉल, पेट की गैस, खाना नहीं पचना, पेट में दर्द, भूख की कमी, पेट फूलना, पेट में दर्द, कब्ज, उल्टी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर की सफाई, हर तरह का बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हाथों पैरों का दर्द, दांत खाज खुजली और शरीर में होने वाली हर तरह की सूजन को अकेली ही जड़ से खत्म कर देती है। ये चीज हम सबकी रसोई में मौजूद होती है। बहुत ही छोटी सी दिखने वाली ये चीज है दाना मेथी। कुछ लोग इसे मेथी दाना भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फेन्यूग्रीक सीड्स बोलते हैं। ये मेथी दाना आपको आमतौर पर दो साइज में मिलता है, छोटा मेथी दाना और बड़ा मेथी दाना। आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं या डेली एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मेथी दाना में डाइट्री फाइबर भी खूब होता है, इसलिए ये पेट की हर तरह की तकलीफ, खासतौर पर कब्ज मिटाने की रामबाण दवा है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और विटामिन सी होता है। साथ में इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक भी होता है, जिसके कारण ये हड्डियों की मजबूती के लिए, सभी तरह के बदन दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कमाल की चीज है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इन सभी बीमारियों में मेथी दाना किस तरह काम में लेना चाहिए, ताकि आप घर बैठे ही अपना और अपने परिवार का बहुत सी बीमारियों का इलाज बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसानी से कर सकें। इसके लिए आपको एक गिलास पानी लेना है और इस एक गिलास पानी में आपको 2 चम्मच मेथी के दानों को डालकर रात भर इन दानों को पानी में भिगो कर रखना है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि रात भर पानी में भीगने के बाद ये सुबह तक फूल कर नरम हो जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि इनका काफी सारा सत, काफी सारा एसेंस इस पानी में आ जाएगा। अब सुबह फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है कि ये मेथी दाना इसी पानी के साथ एक पतीले में डालना है और फिर 5 मिनट के लिए कम आंच पर उबालना है। इससे मेथी दाना का पूरा सार पानी में आ जाएगा। 5 मिनट बाद आप गैस बंद कीजिए और ये पानी छान लीजिए। तो अब आपको एक गिलास में तो मिल गया ये मेथी दाना का गर्म पानी, और साथ में आपको अलग से मिल गया ये उबला हुआ मेथी दाना। आपको ये दोनों ही चीजें काम में लेनी है। कैसे काम में लेनी है, अब वो देखिए। ये जो मेथी दाना का पानी है, ये एक तरह से मेथी दाना की चाय है। तो इसको आपको फ्रेश होने के बाद सुबह खाली पेट ही गरम गरम ही सिप सिप करके पीना है, जैसे आप रोजाना नॉर्मल चाय पीते हैं ना, वैसे ही इसको पीना है। फिर जो ये उबला हुआ मेथी दाना आपके पास है, इसका आपको क्या करना है, इसको आपको नाश्ते में या दिन के खाने में खाना है। कैसे खाना है वो देखिए। पहले तो इसे ठंडा होने दीजिए ताकि आप इसे आराम से खा सकें। फिर जो लोग इसको डायरेक्ट ही खा सकते हैं, थोड़ा कड़वा टेस्ट जो लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, वो तो इसको डायरेक्ट ही खाएं, खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इस तरह इसको डायरेक्ट खाने का कोई मुकाबला ही नहीं है। नाश्ते में खा रहे हैं तो इसके ऊपर 1 कप गर्म दूध भी पी सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते, थोड़ा कड़वा टेस्ट जिनको बर्दाश्त नहीं होता, वो लोग इसको सब्जी में मिक्स करके खा सकते हैं या फिर दही में मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन में किसी भी तरह का दर्द हो, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द हो, वो दही का इस्तेमाल नहीं करें, वरना दर्द बढ़ता है। तो इन 3-4 तरीकों से आप ये उबला हुआ मेथी दाना खा सकते हैं। रोजाना सुबह इस तरह मेथी दाना की फ्रेश चाय बनाकर पीजिए और फिर उबला हुआ मेथी दाना खाइए। 1 महीना भी अगर आप इसको डेली खा लेंगे और इसकी चाय पी लेंगे, या यूं कहें कि मेथी दाना का पानी पी लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप कितना अच्छा फील करेंगे। क्योंकि इस तरह डेली ये मेथी दाना का पानी पीने और मेथी दाना खाने से बाल झड़ना, कान बहना, कोलेस्ट्रॉल, पेट की गैस, खाना नहीं पचना, पेट में दर्द, भूख की कमी, पेट फूलना, पेट में दर्द, कब्ज, उल्टी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लीवर की सफाई, हर तरह का बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हाथों पैरों का दर्द, दांत खाज खुजली और शरीर में होने वाली हर तरह की सूजन खत्म हो जाती है। इतनी सारी बीमारियों को इतनी आसानी से बिना किसी झंझट के इतने कम पैसे में ठीक करने का शायद ही कोई दूसरा नुस्खा या किसी डॉक्टर की दवा मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा आज से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।